दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस की जिसका आंसर कोई भी कैंडिडेट नहीं दे पाया, सभी कैंडिडेट फेल हो गए। तो दोस्तों, ये एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग नंबर है जो कॉमा सेपरेटेड है, और यहाँ पर हमें इन सभी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का टोटल कराना है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस काम को करने के लिए हमें सिर्फ फार्मूलाज का यूज़ करना है, हमें यहाँ पर सिंपल सम इफ फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके 25 + 26 + 24 + 30 ऐसा करके मैं यहाँ पर टोटल को शो नहीं कराऊंगा, ये काम मैन्युअल है, हमें यहाँ पर सिर्फ फार्मूला का यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि इस काम को कैसे किया जाता है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉक। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है जो कॉमा सेपरेटेड है। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर हर एक नंबर को जिसने सेपरेट किया है कॉमा, उसे हमें रिप्लेस कराना है प्लस से। तो देखिए, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। टैक्स पहला आर्ग्यूमेंट है, तो मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा ओल्ड टैक्स, तो डबल कोट्स में मैं कॉमा टाइप कर दूंगा क्योंकि हमें कॉमा को रिप्लेस कराना है। यहाँ पर मैं कॉमा करूंगा। आर्ग्यूमेंट है न्यू टैक्स, तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा प्लस, क्योंकि हमें कॉमा को प्लस से रिप्लेस कराना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉमा हट चुका है और कॉमा को रिप्लेस किया है प्लस ने। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ऑटोफिल कर दूंगा। अब यहाँ पर दूसरा काम, हमें यहाँ पर इन सभी वैल्यूज के आगे इज इक्वल टू शो कराना है। तो देखिए इस काम को कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पर पहला फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में टाइप करूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एंड पर्सन का साइन लगा दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए वैल्यूज के आगे इज इक्वल टू लग चुका है। फिर से मैं इस फॉर्मूला को ऑटोफिल कर दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो सभी वैल्यूज देख रहे हैं उसमें फॉर्मूलास लगा हुआ है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूलास लगा हुआ है। हमें यहाँ पर इस फॉर्मूलास को निकालना है और इन सभी नंबर्स को एज ए वैल्यू में शो कराना है। यहाँ पर ये सभी सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करूंगा और उसी जगह पर मैं कंट्रोल वी करके इन वैल्यू को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक आइकॉन शो हो चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं वैल्यूज को सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहले फॉर्मूलास लगा हुआ था वो अब यहाँ पर वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है, फॉर्मूलास यहाँ से निकल चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इन सभी नंबर्स का टोटल करने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एच प्रेस करूंगा, फाइंड व्हाट में हमें टाइप करना है इज इक्वल टू, और यहाँ पर रिप्लेस विद हमें क्या करना होगा, रिप्लेस विद भी हमें यहाँ पर इज इक्वल टू ही रखना है। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूंगा, ओके करूंगा, इसे मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। तो देखिए सभी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप इस एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।